नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। गांव बमाना में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। कनीना उपमंडल के गांव बमाना में स्थित ज्वेलर्स की दुकान में सेंध मार कर सोने और चांदी की ज्वेलरी चोरी करने वाले 4 आरोपियों को थाना सदर कनीना की पुलिस टीम ने बुधवार देर शाम को उन्हानी टी पॉइंट कनीना से गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर कनीना प्रबंधक निरीक्षक संतोष ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि झगड़ोली के रहने वाले लकी राम ने पुलिस को शिकायत दर्ज की थी। उनकी बवाना गांव में ज्वेलर्स की दुकान है। दिनांक 29 से 30 दिसंबर की रात को उनकी दुकान के पड़ोस में रहने वाले ने फोन से कर बतलाया कि दुकान की लाइट जली हुई है और कुछ लड़के दुकान से बैग और चादर की गठरी लेकर भागते हुए दिखाई दिए हैं। शिकायतकर्ता ने तुरंत दुकान पर पहुंचकर देखा तो दुकान के शटर के दोनों ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा हुआ था। शिकायतकर्ता ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना पुलिस व सीआईए टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए। चोरी के सामान को बरामद किया जा चुका है और जिसके तहत थाना सदर कनीना की पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पकड़े गए हैं कौन से गांव के? कब चोरी करी थी? कितने आरोपी आपने गिरफ्तार? देखिए, ये 29-30 की रात को गांव बवाना में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की गई थी। ताला तोड़ के, शटर को उखाड़ के, तो इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमारे सीआईए स्टाफ और हमारे पुलिस थाना क्षेत्र के जो स्टाफ है उन्होंने मेहनत की और उसमें एक आदमी आइडेंटिफाई हुआ। उसका नाम प्रवीण उर्फ पोनी, जिसका गांव बोका है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया तो उसकी पूछताछ में 4 अन्य नाम आए, जिनमें 2 तो बवाना गांव की हैं, हिमांशु और सागर, और एक मोड़ी का है भूपेंद्र, और जो दिवाकर है वो भी बोका गांव का है। तो इनको गिरफ्तार किया गया, इनका पुलिस रिमांड हासिल किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो ज्वेलरी जो शॉप में जो चोरी की गई थी 10-12 लाख रुपए का जो सामान बताया गया, जो मालिक के अनुसार वो सामान सारा बरामद किया गया। और इंटेरोगेशन के दौरान इनसे 2 और चोरियां खुली, जो भी घरों की ज्वेलरी की चोरी थी उसमें 2 अन्य व्यक्ति शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरह कुल मिला के 3 चोरियों का खुलासा हुआ इसमें, और उसमें जो सामान इस चोरी में तो पूरा सामान हमारा बरामद हो गया है। जो दूसरी चोरियां हैं उनमें जो सामान इन्होंने वो पुरानी चोरियां हैं वो बेच दिया है। तो जहां जिन लोगों को बेचा है वहां तक भी पुलिस पहुंच रही है और इंटरोगेशन की जा रही है और अनुसंधान के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखो वो तो अलग अलग जगह छुपा रहा है, इन्होंने बांट लिया था आपस में और अलग अलग जगह से बरामदगी हुई होगी। ठीक है, थैंक यू सर।